अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सल केयू बैन एलएनबी में ये जो सुराख बनाए जाते हैं आखिर किस वजह से ये बनाए जाते हैं, क्या ये लाजमी है सुराख बनाना। तो काफ़ी दोस्तों को पता नहीं होता और इन सुराख को वो बंद कर देते हैं, या एलएनबी ख़राब होने की वजह ना हो, निशान नहीं पड़े तो वो बीच में कुछ रख देते हैं, पेपर वगैरह या कुछ और चीज़, तो उससे उनके सिग्नल ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं आते। ये लाजमी इसका ख्याल रखें, ये जो निशान हैं ये लाजमी खुले ही रहने चाहिए, इससे डिश का जो है करंट इसमें से जा रहा होता है। वैसे तो यहाँ पर पिन लगती है एलएनबी की, लेकिन ये भी लाजमी है। ये देखें, ये नए मॉडल में ये इन्होंने अगर यहाँ से बंद हो जाए तो इन्होंने इधर से भी दे दिया है सुराख, तो किसी एलएनबी में ये बहुत कम होते हैं या एक ही होते हैं, अगर वो बंद हो जाए तो वो सिग्नल नहीं देती। लोग समझते हैं कि ये ख़राब हो गई है, इसको फेंक दें, तो उसे फेंकना नहीं चाहिए। अगर वो बंद हो गया, आपको नहीं मिल रहा, तो सुई लेकर गर्म करके थोड़ा सा इधर या उधर से दो तीन सुराख लगा दें, तो इस तरह जो है ना ये सिग्नल बिल्कुल सेट हो जाते हैं इसके, जो भी सेटेलाइट लगाएं, क्योंकि इसका बड़ा काम होता है। अगर फीड आयरन पे लगाएं तो ये उसके साथ ही अटैच हो जाती है, इसका अंदर वाला हिस्सा। अगर उस पर नहीं लगाएं तो सेंटर में फिट करते हुए ये कोशिश करें कि इसका ये सुराख बंद ना हो, ये हर हाल में खुले ही होने चाहिए। अगर नहीं हो तो आप खुद से निकाल कर उसको सेट कर सकते हैं, तो आपको सिग्नल भी अच्छे मिलेंगे। मैंने भी तजर्बा किया है, इसके बीच में पेपर रखा तो इसके सिग्नल ख़त्म हो जाते हैं, नहीं आते हैं। उस एलएनबी में ये भी तीन सुराख नहीं थे, और यहाँ पर एक ही सुराख था जो मैंने इसको रखा था पेपर इसमें, तो वो बिल्कुल ही सिग्नल उसके ख़त्म हो गए। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये सुराख लाजमी होने चाहिए, तो ही आपकी केयू बैंड की एलएनबी काम करेगी। काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे, यार ये मसला आ जाता है एलएनबी ख़राब हो जाती है, ये एक ख़राब नहीं होती, केयू बहुत ही कम ख़राब होती हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होती। इस वजह से या तो यहाँ पर ये पिन जो है, बाज लोग जो है ना ये केबल जो है ना 7 की लगा देते हैं या 11 RG से लगा देते हैं, तो उसकी वजह से ये जो सुराख है इनका ये खुला हो जाता है, तो उस वजह से भी सिग्नल लूज़ होते रहते हैं। तो कोशिश करें कि जो केबल लगाएं उसको पहले से देख लें आगे कितनी जगह है, नहीं अगर सिग्नल आ रहे यहाँ से तो आप उसको थोड़ा सा हल्का सा मोड़ दें, तो उसके बाद आप कनेक्टर लगाएंगे तो वो बिल्कुल काम करना शुरू कर देगी। और ये ख़ास याद रखें कि ये सुराख लाजमी होने चाहिए। ये देख लें, तो और भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा इस चीज़ पर, जो भी मुझसे सवाल किए जाएंगे तो मैं ये बनाता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा कि ये मसला आ सकता है। मेरी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।